हेलो एवरीवन, स्वागत है माय न्यू वीडियो में। गाइस आज माय फर्स्ट व्लॉग शूट कर रहे हैं। बिल्कुल अनाज ला रहे हैं, खेत से अनाज ला रहे हैं बिल्कुल फाइनली। और अनाज आ चुका है घर, घर ले आए हैं और आगे का व्यू भी दिखाएंगे पूरा। अभी तो इधर मौज मस्ती हो रही है। ये हमारा ढोने वाला बंदा है, देखो पूरा फनी बंदा है और पूरी एक्टिंग वगैरह फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। देखो लिटरली वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बोलते जाओ बच्चे बच्चे, कोई नहीं। ये भाई फैमिली है जिसकी, ये भाई इस लड़की की फैमिली है। अरे पूरा कॉमेडी फनी बच्चा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है लिटरली। और पूरा व्यू यही इसी ने कवर किया था और इसी ने वीडियो वगैरह शूट की थी इनको। आज लिटरली तुम्हारा व्लॉग वगैरह मैं शूट करता हूँ, कोई नहीं। देखो गाइज कितना खूबसूरत नज़ारा है और हंस रहा है पूरा फनी बच्चा। आज इसने एक लड़की की टमाट फाड़ दी थी, क्योंकि उस टमाटर में पत्थर जड़ दिया था इसने। बहुत गुस्सैल लड़का है, ऐसा नहीं है, बड़ा गुस्सैल है। और एक हमारा लड़का सो रहा है चोड़ी के अंदर, वह भी पूरा गुस्सैल है। ने टमाट वगैरह फाड़ दी थी बच्चे की और आज तगड़ा पूरा फनी हुआ कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। देखो ये गेहूँ ला रहा हूँ इधर, आप देख सकते हो पूरा व्यू। इधर का टांट पे कट्टा रखा हुआ है बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है ढीला कट्टा है बिल्कुल गेहूँ का। ये आ रहा है ये फनी बच्चा, ये आ रहा है। ये लिवा भी नहीं सकता किसी बंदे की टांट पे से, बोरा वगैरह भी नहीं रखवा सकता था। ये गेहूँ की फसल है और इधर गेहूँ हुआ है अभी, और पल्ली तरफ कुटे हुए हैं। आगे की तरफ आगे का व्यू भी दिखाएंगे इधर की तरफ। और चलते हैं फिर गाइस अंदर से स्टार्ट करते हैं। देखो प्लांट पर कट्टा रखा है लिटरली, और सामने की तरफ अभी ब्लॉग शूट कर रहे हैं। इधर माय फर्स्ट ब्लॉग है और इसके सामने देखो ऐसा व्यू आ रहा है। इधर की तरफ पगडंडी पर निकल रहे हैं और देखो टाट पर सापी वगैरह रखी है इसने, कोई नहीं। ये लड़का ब्लॉगर है बिल्कुल लिटरली, और इनके बाद ब्लॉग शूट कर रहा है। इधर नीम से अपने घर से स्टार्टिंग की थी इसने ब्लॉग वगैरह शूट करने की, और फाइनली आगे की तरफ जा रहा है बिल्कुल। कट्टा लाता हुआ दिखाएगा इधर आगे की तरफ, अगला व्यू दिखाएगा भाई, अगला भी व्यू दिखा। देखो एक चप्पल दिखा रहा, चप्पल घर आया है ना लिटरली, कट्टा लेके आया था और फिर पल्ली तरफ से आ रहे थे और कट्टा वगैरह लेकर आया है बिल्कुल। फाइनली कट्टा अनाज का कट्टा वगैरह लेकर आए थे और बैठा है अभी, फनी बच्चा है। और ये मतलब वैसे खतरनाक लड़का है, ऐसा नहीं है यार, क्योंकि जब आप समझते हो ना किसी बंदे की, है यार फनी है पूरा कॉमेडी वाला बच्चा है, ऐसा नहीं है। टली वह स्वाद भी थोड़ा ज़्यादा लेता है, ऐसा नहीं है। और वाह, उंगलियों को भी दे दे के मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है इधर गाइस। और फाइनली मैं ब्लॉग वगैरह शूट कर लिया हूँ, आगे का व्यू भी दिखाएंगे आप लोगों को। फाइनली आ चुके हैं खेतों के अंदर और इधर कट्टा वगैरह का व्यू भी दिखाएंगे आगे का भी। खेत गेहूं की फसल पड़ी हुई है, इधर कटा हुआ खेत है, इधर खड़े हुए हैं बिल्कुल सामने, ये कटे नहीं थे और ये कटे हुए हैं लिटरली। ये व्यू देख सकते हो आप इधर का। आज ब्लॉग वीडियो इसीलिए थोड़ी शूट की थी। फाइनली चलते हैं फिर आगे की तरफ, आगे का व्यू भी दिखाएंगे। मैं थोड़ा अपना फेस शो कर देता हूँ इधर की तरफ से और चलते हैं गाइस फिर आगे की तरफ। अभी अनाज वगैरह लेकर आएगा लड़का और देख सकते हो सामने का व्यू ऐसा चल रहा है इधर की तरफ। और ये फ़ोन थोड़ा हैंग वगैरह करने लगा है धूप में, यह भी टेम्परेचर लेने लगा है धूप में, कलर वगैरह तो बलद दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह भी काफ़ी टेम्परेचर वगैरह ले रहा है। टेम्परेचर इसका भी हाई बढ़ा हुआ है बिल्कुल, प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त है। और फाइनली फिर आगे की तरफ आ जाते हैं, आगे का व्यू दिखाएंगे। इधर जंगल में पूरी मस्ती वगैरह हो रही है और लिटरली इनके बाद चलते हैं फिर आगे की तरफ गाइस। और आवाज़ थोड़ा फ़ोन प्रॉब्लम देने लगा है, आवाज़ थोड़ी वीक आ रही होगी तो इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फ़ोन थोड़ा हैंग वगैरह करने लगा है। आगे गट्टा वगैरह भी दिखाएंगे इधर शो आ रहा, लड़का लेके आ रहा है गट्टा रख रखा है टमाट पे, अनाज का भरा हुआ है गट्टा है बिल्कुल लिटरली। फिर दिखा थोड़ा, ये दूसरा लड़का आया है और ये भी गट्टा लेके आ रहा है। और फाइनली मैं इधर व्लॉग वगैरह शूट कर रहा हूँ, इनके बाद चलते हैं फिर गाइस आगे की तरफ। और 5 मिनट 20 सेकंड की वीडियो शूट किया हूँ, व्लॉग वीडियो। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना हमारी वीडियो कैसी लगी,
बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो, और चैनल सब्सक्राइब करना जरूर से। ओके, धन्यवाद।